आपके पास दोस्तों मैं टोनर का ट्रिक्स लेकर के आया हूँ कि टोनर्स को कैसे रिफिलिंग किया जाता है। ठीक है, कोई भी टोनर हो आप घर पे रिफिलिंग कर सकते हैं। उसका पाउडर्स जो होता है वो ऑनलाइन में मिल जाता है। जैसे कि ये 88 नंबर टोनर है, ठीक है, 88 नंबर टोनर है, तो इसको हमको रिफिलिंग करना है। तो ये बहुत ईजी प्रोसेस में मैं आपको बताऊँगा, पूरा ज़्यादा आपको खोलना भी नहीं पड़ेगा और ईजीली आप इसको बना पाएंगे खुद भी। तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, अगर कट मत कीजिएगा, ध्यान से पूरा देखिएगा तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी मॉडल का टोनर हो, कोई भी मॉडल का टोनर हो, एक ऐसा ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसमें कि हो सकता है नोट भी ना हो खोलने का। ठीक है, नोट भी खोलने का कहीं भी सिस्टम ही ना हो, कहीं नोट ही ना हो, फिर भी उस टोनर को आप रिफिलिंग कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई कोई में नोट जब नहीं होता है तो आप कैसे खोलेंगे उसको, कर नहीं पाते हैं तो छोड़ देते हैं, फिर नया करते हैं तो बहुत आपका पैसा भी उसमें लग जाता है। ये साधारण सा मैं 88 में दिखाऊंगा वो आपको करके भी, कि जो जिसमें नोट खोलने का सिस्टम नहीं होगा उसको भी लेकिन कैसे करना है आपको। ठीक है, तो ये पहले देखिए आप ध्यान से 88 का, तो यहाँ पे एक नोट होता है, इसको एक नोट को खोलना है सिर्फ आपको। पहले ये 88 नंबर का टोनर है आपको, ठीक है, तो इस नोट को, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एक स्प्रिंग भी रहता है यहाँ पे जो इसका ढकने का काम करता है। इसको अच्छे से ऐसे पकड़ के धीरे धीरे हिला हिला के निकालेगा, स्प्रिंग भी निकल जाएगा, फिर स्प्रिंग को वैसे ही बैठाना है आपको। ठीक है, नहीं तो ये आपका स्प्रिंग जो है यहाँ पे अगर अच्छे से नहीं बैठेगा, ढकने ऐसे खुला रहेगा बनने वाला। एक नोट खोल लेने के बाद उसका देख लॉक जो मैंने अभी निकाला है, ये लॉक निकाल लेने के बाद में आपको साधारण क्या करना है, इसको पकड़ना है दोनों हाथ से और आगे और एक को पीछे करके घिसकना है। जैसे कि देखिए, ये देखिए निकल गया है, खुल गया, दो पार्ट हो गया है। इस पार्ट को आप अभी रख दीजिए, इसका मैं दिखाऊंगा कि इसको क्या करना है। इसको रखिए साइड में और यहाँ पे देखिए, हमेशा आपको क्या होता है यहाँ पे पता चल रहा है, देखिए ये पूरा मैग्नेट रड है, ये इसमें ये वाइट हो गया मतलब पाउडर अंदर नहीं है, ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा ब्लैक है, मतलब कोना कोनी में कहीं कहीं पाउडर है थोड़ा थोड़ा, तो इसके लिए ये आपको दिखा रहा है यहाँ पे। तो जैसे कि पकड़ लीजिए कोई टोनर को आप नहीं ये कर पाते हैं, उसका कुछ सिस्टम नहीं है खोलने का, जैसे यहाँ पे तो इसका इसका खोलेंगे आप, यहाँ से डाल सकते हैं, यहाँ पे एक ढकनी है इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसको खोल के फिर अच्छे से नहीं बैठाएंगे तो यहाँ पे एक मैग्नेट रहता है वो खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा तो काम नहीं करेगा टोनर। तो सबसे बढ़िया सिस्टम क्या है कि आप इसको ऐसे रख लीजिए, रखने के बाद कोई भी पाउडर जो मिलता है आपको, कोई भी पाउडर नहीं, सिर्फ मैग्नेटिक पाउडर होता है, पाउडर भी बहुत क्वालिटी का होता है, एक होता है मैग्नेटिक एक होता है नॉन मैग्नेटिक। तो इसमें जितना भी है मॉडल्स वाइज, जैसे 88 मॉडल का ये टोनर है तो इसमें आपको मैग्नेटिक पाउडर ही लगेगा, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक नहीं लगेगा इसमें। तो ये आप दुकान से परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन में भी मिल जाता है टोनर पाउडर वो के। उसके बाद आपको इसको अप्लाई करना है कहाँ पे, इसमें डालना है ये रड के ऊपर में हल्का हल्का ऐसे डालना है सीधा, अभी देखिएगा इसको डालना है, खाली डालने के बाद में उसके बाद इसको स्क्रॉल करना है, घुमाना है। ये देखिए यहाँ ऐसे थोड़ा पकड़िए, उसके बाद ऐसे घुमाइए, ये ऑटोमेटिकली ये पाउडर अंदर लेते जाएगा आपका, ठीक है, देखिए ये पाउडर अंदर चला गया, देखिए चला गया ना अंदर। फिर ऐसे इसमें डालना है थोड़ा थोड़ा करके, पूरा खोलने का जरूरत नहीं आपको, ऐसे थोड़ा थोड़ा डालिए। उसके बाद फिर से यहाँ थोड़ा ऐसे पकड़ के उसका इसमें ऐसे करके घुमा घुमा के इसको अंदर जाने दीजिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे यहाँ कुछ ऐसा नहीं करना है, पेचकस स्क्रू ड्राइवर लगा के फाँक करके मैं घुमा घुमा कर डालूंगा मत कीजिएगा। इस रड में थोड़ा भी अगर दागी लग गया तो आपका प्रिंटिंग में पूरा डॉट 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 आना शुरू हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी इस रड में कोई भी चीज़ का प्रेशर नहीं लगना है, ये डंटी से भी कुछ ठक ठुक नहीं लगना है, ये बहुत नाजुक अल्मोनियम का होता है। थोड़ा दागी लग जाएगा इसमें तो वो क्या होगा, बड़ा बड़ा आपका पेपर में दागी आने लग जाएगा। तो इसलिए ये टोनर पाउडर भी डालते समय कृपया बोतल को भी उसमें ना सटाए, आप दूर में रखिए थोड़ा बोतल को, नहीं तो उसमें सटने पर क्या होगा, वो दागी अगर लग गया तो दागी आएगा, वो बहुत नाजुक बहुत पतला अल्मोनियम होता है। ऐसे करके इसको घुमाएंगे थोड़ा फाँक करके, देखिए जा रही है, ठीक है, ऐसे करते जाना। ये मैं जो दिखा रहा हूँ ये इसलिए दिखा रहा हूँ, ये कोई कोई आजकल न्यू मॉडल जो टोनर आ रहा है, न्यू मॉडल टोनर में आपको खोलने का सिस्टम नहीं है, तो खोलने का सिस्टम नहीं होने की वजह से आप रिफिलिंग नहीं कर पाते हैं। तो उनको जब यहाँ तक सिर्फ उसका खोल के उसके बाद इसमें केवल ऐसे रख के उसमें ऐसे ऐसे घुमाइए, वो पाउडर आपका अंदर चला जाएगा सब, ठीक है। ये खोलना नहीं पड़ा देखिए, क्योंकि खोलने का सिस्टम नहीं बना रहा है, क्योंकि रिफिलिंग सब जगह होने पर वो कहीं ना कहीं
नुकसान हो जाता होगा कंपनी को भी, लेकिन ये जिसके पास पैसा नहीं होता है खरीदने का, एक एक टोनर बहुत महंगा है, खरीदने नहीं सकते हैं, उनके लिए मैं ये उपाय बता रहा हूँ। देखिए ऐसे करके आप ऐसे चला जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन ये जो टोनर है इसमें आपको डालने के लिए सुविधा यहाँ से भी दिया गया है, यहाँ पे ढकनी बनाया गया है कंपनी, ये खोल के, लेकिन इसको खोल के इसमें कुछ भी तेल का कूपी डाल करके, तेल का कूपी डाल के डाल सकते हैं, ठीक है। डालने के बाद उसके बाद इसमें मैंने जितना डालना था डाल लिया, अभी इसको सब अंदर चला गया। देखिए ये डालने के बाद अब इसको यहाँ रखिए आप, उसके बाद इसका देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये जो है इसको आप ध्यान से इसको हल्का से निकाल लेना है, इसमें भी आपका बिल्कुल दागी नहीं लगना है, इसमें भी दागी नहीं लगना है। इसमें दागी लगने पर पेपर में एक जैसे छोटा सा एक काला का दागी आएगा, चूल का माथा का बराबर भी डॉट इसमें दागी लगा रहेगा, तो क्या होगा कि वो पेपर में बराबर दागेगा। इसको सावधानी पूर्वक कोई कपड़ा से रगड़ के ना पोंछे, इसको ऐसे छोड़ दे, ऐसे रख दे इसको, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये होता है, तो इसमें क्या होता है रिसाइकिल पाउडर जमा रहता है वेस्ट, तो इसको आपको फेंक देना है इसको, ठीक है। ये देखिए इसको फेंकना है इसको, इसको ये रिसाइकिल है, इसको खाली करना है बढ़िया इस तरीके से ठोक ठोक के, हाँ इसको निकाल देना है पूरा। निकालने के बाद में देखिए बहुत सा निकल रहा है, देखिए पूरा अच्छे से निकालना है, नहीं तो ये रिसाइकिल क्या होगा कि वहाँ तो पाउडर आप भर दिए, हाँ नया पाउडर भर दीजिए, इसको नहीं निकालेंगे आप तो क्या होगा कि आपका इसमें तो और पाउडर रिसाइकिल जाएगा नहीं, तो जाम हो जाएगा, तो पेपर काला 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 प्रिंटिंग होगा पेपर में पूरा काला काला। देखिए पूरी रीति से निकाल दिया, इसको अच्छा से कपड़ा ले करके कोई बढ़िया से इसको साफ़ कर दीजिए इसको, ठीक है, एकदम बढ़िया से साफ़ कर दीजिए, और इसको भी फिर बढ़िया से साफ़ कर दीजिए कपड़े से, हाँ ज़्यादा इसमें ज़्यादा ज़ोर से ना रगड़े ये, हाँ कोई अच्छा कॉटन का कपड़ा होना है, हाँ बढ़िया से इसको साफ से साफ़ कर लीजिए। जैसे इसको हमने साफ़ कर लिया है, साफ़ करने के बाद फिर से इसमें देखिए छेन रहा है, ये बढ़िया से मिला के इसको बैठाना है, हाँ ये बैठ गया। फिर से जैसे इसको पहले लिए थे, देखिए ये एक गियर पुली है यहाँ पे, यहाँ गियर, तो क्या होगा ये पहले वहाँ पे जाएगा ये छेंदा में ना, तो ये सावधानी से इसको ऐसे बैठा के, हैं यहाँ, उसके बाद यहाँ देखिए मिला के बैठ गया ये, ठीक है। ज़्यादा आराम से करें, ज़ोरदार इसमें कोई ये ना लगाए, ताकत ज़्यादा ना लगाए। उसके बाद ये जैसे है इसमें देख रहे हैं स्प्रिंग है, स्प्रिंग को भी सावधान निकलना नहीं देना है, निकल गया तो फिर से उसे लगा लेना, इसको ऐसे हाथ से ऐसे करके पकड़ लेना है इसको, थोड़ा सा पकड़ के उसके बाद इसमें ऐसे बैठा के, हैं सावधानी से एकदम प्यार से बैठा के इसको, अब देखिए ये निकल गया, कोई बात नहीं, हैं इसको फिर से बैठाएंगे हम। देखिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बैठ जाना है, ऐसे बैठा देने पर क्या होगा कि ये जब उठेगा फिर ये बंद हो जाएगा, ये उठेगा बंद हो जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से ऐसे बैठाना है, ध्यान दीजिए, और बस हो गया। एक नोट ये टाइट करना है इसको, यहाँ पे एक नोट, ये अभी देखिए फिटिंग हो गया, ठीक है। फिटिंग होने के बाद इसको ऐसे एक बार पकड़ के दोनों हाथ से ऐसे देखिएगा, ऐसे पकड़ना है इसको, ऐसे पकड़ के एक बार इसको मूव करके देखिए, ऐसे देखिए ऐसे अच्छा से फ्रीली घूमना है ये, और इसमें कुछ भी इसमें गंदगी भी लगा है तो कपड़ा वपड़ा से ना मुछे, इसको घुमाते रहे अपने आप साफ हो जाएगा, ठीक है। कपड़ा से मुछेंगे तो उसमें दागी हो जाएगा। ये रेडी है अभी, हाँ ले जाके इसको डाल के अभी चला सकते हैं, ठीक है, रेडी हो गया ये।